लालच बुरी बला है। शहर की एक सराफा दुकान से सोने का मंगलसूत्र उड़ाने के बाद दोबारा उसी दुकान में चोरी करने गए दंपत्ति को पुलिस ने धर दबोचा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तहसील पुलिस ने यह कार्रवाई की। मंगलवार को दोनों को अदालत में पेश कर एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। गौरतलब है कि दंपत्ति रामदास पेट स्थित 5 सितारा होटल सेंटर पॉइंट में कार्यरत है। पत्नी अकाउंटेंट है और पति वेटर है। दीपावली उत्सव के दौरान भीड़भाड़ का फायदा उठाकर दोनों ने सराफा दुकान में चोरी करने का प्लान बनाया और 21 अगस्त को दोपहर में राकेश ने छाया को दोपहिया वाहन से इतवार स्थित सराफा ओली में छोड़ा। छाया गुलाबचंद साहिब लाला नामक सराफा दुकान में गई। महिला कर्मचारी रोशन और वैष्णवी को सोने का मंगलसूत्र दिखाने के लिए कहा। दोनों ने छाया को करीब 10-12 मंगलसूत्र दिखाए। इस दौरान छाया ने बड़ी चालाकी से मंगलसूत्र काउंटर से नीचे गिरा दिया। बाद में खुद का मंगलसूत्र कहकर उसी डिजाइन से मंगलसूत्र दिखाने के लिए कहा, लेकिन यह बात महिला कर्मचारियों के ध्यान नहीं आई, पर छाया की यह करतूत कैमरा में कैद हो चुकी थी। इसके बाद मंगलसूत्र पसंद नहीं आने का बहाना कर छाया वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद एक मंगलसूत्र कम दिखने से दुकान में हड़कंप मच गया। इस मामले में सोमवार को तहसील पुलिस सराफा दुकान में पूछताछ करने पहुंची थी। प्रकरण की जांच पड़ताल के लिए सोमवार को दुकान में पहुंची पुलिस कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही थी। घटना के फुटेज भी जब्त किए गए। इस दौरान छाया दोबारा दुकान में सोना खरीदने के लिए पहुंची। वैष्णवी और रोशन ने उसे पहचान लिया और उन्होंने छाया को पकड़ लिया। वह चोरी करने की बात से इनकार कर रही थी। उसने हंगामा भी किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे फुटेज दिखाए तो उसकी बोलती बंद हो गई। उसे थाने ले जाया गया और पूछताछ में छाया ने चोरी की बात स्वीकार की। छाया ने यह भी बताया कि मंगलसूत्र चुराने के बाद वो बेचने के लिए पति को दिया है। इसके बाद उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 1,78,000 रुपए का मंगलसूत्र और घटना में इस्तेमाल किया गया दोपहिया वाहन, ऐसे कुल 3,12,448 रुपए का माल जब्त किया गया है। वरिष्ठ निरीक्षक बबन येरगी, सहायक निरीक्षक संदीप बाकुल, लक्ष्मण शेंडे, किशोर गरवारे, नाजर शेख, अतुल ठाकरे, पंकज डबरे, इकबाल शेख और रूपाली मोतीकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि आरोपी दंपति छाया भोयर मूलतः मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और उसका पति राकेश गोपीचंद भोयर गोंदिया जिले नवरगांव निवासी है। वर्तमान में दोनों रामबाग में किराए से रहते हैं। यह जानकारी जांच अधिकारी लक्ष्मण शेंडे ने दी है। बताया जाता है कि होटल में काम के दौरान दोनों की पहचान हुई। धीरे धीरे प्रेम परवान चढ़ा, पश्चात दोनों ने शादी कर ली। दोनों महत्वाकांक्षी है, कम समय में बगैर मेहनत से रुपए कमाना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने चोरी का रास्ता अपनाया। 21 तारीख को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुई है, सराफा बाजार में एक दुकान में चोरी हुई थी सोने के गहने की। उससे पहले सराफा बाजार के सभी दुकानदारों की हम लोगों ने मीटिंग ली थी तहसील पुलिस थाने में और उनको सख्त सूचना दी गई थी कि हर एक दुकानदार अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, अपने जो वर्कर्स है उनको ब्रीफ करेंगे कि ध्यान रखेंगे, जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं सोना खरीदने को उनके ऊपर ध्यान रखें। आप जितने भी दिखाते हो गहने तो काउंट करके दिखाए, वापस लेते वक्त काउंट करके ले और उसकी अकाउंटेबिलिटी रखे और सीसीटीवी पे पूरा ध्यान रखे। जो ग्राहक आते हैं उन पे भी कड़ी नज़र रखे, अगर कुछ गलत आपको पाया जाता है तो हमको रिपोर्ट करने के लिए उनको सबको बोला गया था। तो 21 तारीख को एक रिपोर्ट हुई थी कि एक दुकान से तहसील पुलिस थाने के हद्दी में जो सराफा बाजार है उससे 21 तारीख को एक दुकान से चोरी हुए था सोने के गहने और वो सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। नहीं, ये क्या थी कि एक लड़की थी 28 साल की उम्र अंदाज, ये दुकान में सोने चांदी के, जैसे अभी सीजन चल रहा है हमारा, अभी आपने देखा होगा नवरात्र से धनतेरस दिवाली तक बहुत जम के सीजन चलता है, तो हर आदमी को देखो अभी कोविड के बाद हर व्यापारी कोविड के बाहर निकला है, 3-3 महीने लॉकडाउन के बाद, तो हर आदमी अपने धंधे में एक काम करने में एक इंटरेस्ट बहुत रख रहा था। तो उसमें हुआ क्या कि सब इसमें धंधे में भिड़े, उसका गैर फायदा इन्होंने उठाया। जैसे अभी कैसे जब सब मास्क लगा के आते हैं तो सब मास्क लगा के एंट्री हो जाती है, तो इन प्रकार के लोग हैं जो चोरी करने वाले जो इनका रहता है, इनका दिमाग इसी में दौड़ा कि मास्क लगा के यानी का कोई चेहरा देखेगा नहीं और कोई उतारने को बोलेगा नहीं, उस बहाने वो अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद रस में कोई बड़ी चीज़ के ऊपर जाते हैं और वहाँ से
मिनट से 4 मिनट में 5 मिनट में माल लेके बाहर निकल जाते। अब वो निकलते कैसे है, जैसे माल दिया तो रस रहता है तो लड़की का दिमाग 10 जगह रहता है, तुरंत हाथ में साफ किया, फिर बोलते हमको माल बेचना है और माल बेच के लेना है, तो उसके लिए फिर वो लड़की बोलती ठीक है उस काउंटर पे चलिए, तो वो काउंटर छूट गया उसका, माल अंदर करके वो काउंटर छोड़ दी उसने। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।